हेलो गाइस, दिस इज दीपक बांसल पंजाब आई क्यू देसी यूट्यूब चैनल से थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। अज आप थोड़ा एग्रीकल्चर का टेस्ट लेने वाले जो कि एमसीक्यू फॉर्म के विच होगा, ठीक है। जे तुसी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो थोड़े वास्ते बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है। इस दे विच 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तुम्हें हर क्वेश्चन के आने के बाद 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तुसी उस 5 सेकंड के विच उसके आंसर लगाना होगा। उस तो बाद मैं उसका सही आंसर तुम्हें दसूंगा। ओके, शुरू करते हैं आप। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ पी एच ऑफ सोयल इज हाई, मतलब जी अपनी मिट्टी की पी एच वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो एल्कलाइन है, तो आप उस मिलावे जेकर आप राइस कल्टीवेशन करनी है, जे आप राइस की खेती करनी है, आप चौलों की खेती करनी है, तो अपनी मिट्टी की जी पी एच वैल्यू है जो उसकी हाई है, तो आप उस घट करने वास्ते उस मिलाने। थोड़े सामने चार ऑप्शन ने, थोड़ा टाइम शुरू होता हूँ। ओके, टाइम जब तक सही आंसर आ जाऊ अपना बी, आप उस जिप्स मिलाने, ठीक है। जिप्स मिलाया जाता है तो यह किस कैटेगरी के आता है, अपना सॉफ्ट सल्फेट मिनरल, ठीक है। इसमें की कहते हैं, सॉफ्ट सल्फेट मिनरल भी कहते हैं, या इसकी आप जो कंपोजिशन की गल करिए किस चीज़ का बनया हुआ है, यह बनया हूँ अपना कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। ये चीज़ तुम याद रखियो, ठीक है। तो जी आप इसके कैमिकल फॉर्मूले की गल करिए यह होंगे अपना जिप्सम का कैमिकल फॉर्मूला CaSO42H2O, ठीक है जी। अपने अपने कैमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू के जो फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है, कैमिस्ट्री के डायरेक्टली पूछा जाता है भी तुम्हें दसना जिप्सम का फॉर्मूला की है, कैमिकल फॉर्मूला की है, तो सू याद करना। तो इसमें किस चीज़ वास्ते यूज़ किया जाता है, इसमें आप फर्टिलाइजर वास्ते भी यूज़ करते हैं, तो करके अपने एग्रीकल्चर के मामले के भी इंपोर्टेंट हो जाता है। जो आप जिप्सम की गल करिए जिप्सम आप कितने कितने वरते हैं, जो तुम POP करवाई होगी घर के उत्ते छतों के उत्ते, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पैरिस करवाने, उत्थे इन्हें यूज़ किया जाता है। इस तो इलावा ब्लैकबोर्ड के इसमें यूज़ किया जाता है, ब्लैकबोर्ड बनाए जाते हैं, तो चाक बनाने के भी इसमें यूज़ किया जाता है अपने प्लास्टर ऑफ पैरिस में, ठीक है जिप्सम। अगे बढ़ जाओ। ओके, सैकंड क्वेश्चन कहते हैं, विच टाइप ऑफ सोयल इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन, जे आप कॉटन की खेती करनी है तो इन्होंने कि सोयल वधिया नहीं हैगी, आप दसना है। अपने सामने चार ऑप्शन ने, थोड़ा टाइम शुरू होता होना। ओके, टाइम्स अप, तेरा सही आंसर आ जाऊगा ए, सलाइन और वाटर लॉक्ड टाइप, ठीक है। सलाइन जी होंगी है जिस दे विच अपना नमक होंगे, साल्ट होंगे, उसमें कि मिट्टी कहते हैं सलाइन कहते हैं, तो वाटर लॉक्ड कि होंगे जिसे वाटर जमा हो जाता, पानी इकट्ठा हो जाता, उन्होंने कहते हैं वाटर लॉक्ड, ठीक है। इस तरीके की मिट्टी आप यूज़ नहीं कर सकते जी आप कॉटन की खेती करनी है। जी आप गल करिए कि कॉटन की जी प्रोडक्शन है और कंट्री वाइज सब तो पहल तो कौन है, तो उस तो बाद सिक्वेंस के कौन है, देखो सब तो पहल तो अपना आता है इंडिया, इंडिया के सब तो ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन होंगी है, उस तो बाद गल करिए चाइना के होंगी है, तीजे नंबर पर USA होंगी है, फिर अपनी पाकिस्तान होंगी है, तो उस तो बाद अपनी ब्राज़ील दे विच होंदी है, ठीक है। यह मैं तुम्हें पांच दस दी, ठीक है। आपां नूं कोई भी क्वेश्चन आ सकता भी फस्ट नंबर पर कौन है, या आपां नूं कंट्रीज़ दे रखी होंगी एग्जाम के उसमें सीकुएंस दे विच लिखना होगा, तो तुम इसमें याद कर लियो। तो अगला क्वेश्चन की बनता है, अपना बनता है कि जो इंडिया के सब तो ज़्यादा प्रोडक्शन होंगी कॉटन की, तो स्टेट वाइज दसो कि स्टेट कौन स्टेट के सब तो ज़्यादा होंगी है, तो तुम याद रखना है अपनी गुजरात, गुजरात के सब तो ज़्यादा कॉटन की पैदावार होंगी है। जो उस तो बाद आप गल करिए अपनी होंगी है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के सैकेंड नंबर पर इसकी प्रोडक्शन होंगी है। तो तीजी गल करिए जो पंजाब की गल करिए, पंजाब किनवे नंबर पर आता, तो पंजाब अपना किनवे नंबर पर आता, अपना नाइन्थ नंबर पर आता, ठीक है। नौवें नंबर पर अपना की आता पंजाब आता, यही भी तुम्हें याद रखना। ओके, जे सू इसकी PDF चाहिए तो करना सरकारी 19 इकट्ठा लिखना है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सू PDF सू टैलीग्राम चैनल नहीं मिले, तो इसमें इकट्ठा लिखा करो सरकारी 19 इन इकट्ठा लिखा करो, तो सू टैलीग्राम से मेरा चैनल मिल जूगा, उत्तर तुम इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। जो तुम मेरा होर वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे एक चैनल है यूट्यूब से सरकारी 99 के नाते, उसमें भी इकट्ठा लिखना है, तो थोड़ी मेरी होर वीडियोज़ मिल जाएगी। अगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन कहते द मोस्ट हार्मफुल इनसैक्ट विच अटैक कॉटन इन पंजाब, जे आप कॉटन की खेती करते हैं पंजाब के, तो कौन इनसैक्ट, ठीक है, कौन इनसैक्ट ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, अपनी फसल वास्ते। थोड़े सामने चार ऑप्शन ने, थोड़ा टाइम शुरू होता हूँ। ओके, टाइम्स अप, तेरा सही आंसर आ जाऊगा सी, पिंक बोलवम, ठीक है, पिंक बोलवम, ठीक है। यह बहुत न्यूज़ के रही है, बठिंडा के इसने बहुत अटैक किया, तो यह याद रखियो। इस तो अलावा जी आप गल करिए अपने को आ जाते हैं जैसिड्स आ जाते हैं, ठीक है, तो एफिड्स आ जाते हैं, ये अपने इनसैक्ट्स ने, या आप कह सकते हैं वाइट फ्लाई आ जाती है, ठीक है। इस तो इलावा अपनी मिली
मिली बग आ जाती है, ठीक है, ये याद रख लियो। जे आप जैसेड की गल करिए, अपनी कोटन से अटैक करती है, कोटन कोटन की फसल होगी, ठीक है, इस तो इलावा मेज़ की फसल होगी अपनी, इस तो इलावा राइस की फसल होगी, ठीक है, इस तो इलावा मैंगो, ठीक है, मैंगो से जैसेड का अटैक होंगे। जे एफिड की गल करिए, अपने वीट से, वीट से बहुत ज़्यादा इसका अटैक होंगे, इस तो इलावा पीच से अटैक होंगे, ठीक है, इस तो इलावा ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑयल सीड्स से भी इसका अटैक होंगे। जे वाइट फ्लाई की गल करिए, कोटन से, कोटन के पल्सिस से, दालों से इसका अटैक होंगे, टमैटो से, ठीक है, टमाटर की जी अपनी फसल होंगी है, टमैटो से इसका अटैक होंगे। जे आप मिली मिली बग की गल करिए, इसका जो ये भी कोटन से अटैक करता ज़्यादा, ठीक है, मैंगो से इसका अटैक होंगे, ठीक है, पपाया पपीते से इसका बहुत ज़्यादा अटैक होंगे, ठीक है, यही याद आप रखना। इस तो अलावा यह सिट्रिक सिट्रस जी सिट्रस अपनी क्रॉप्स होंगे ने ना, जिसे ओरेंज वगैरह आ जाते हैं, उससे भी यह ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। इस तो अलावा आ भी तुम याद रख लियो। अगे बढ़ गया, ओके, फोर्थ क्वेश्चन कहते, इन मई 2020 ए स्वाम ऑफ लोटस, मतलब एक लोटस का झुंड दिया, उसने अफेक्ट किया लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट से उसने अटैक किया, ठीक है, उसने बहुत अफेक्ट पाया दी एंड डिस्ट्रॉय दी क्रॉप, फसल खराब करती थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के रहा। जो तुम न्यूज़ में फॉलो करते हो तो मई 2020 के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलिया भी पाकिस्तानी को नहीं आया थी, तो अपने राजस्थान के लिए बहुत फसल इसने डिस्ट्रॉय की थी, तो जो लोटस अपने इंडिया के लिए आया थी, मतलब राजस्थान से अटैक किया, तो लोटस कई टाइप का आप दसना, अपने सामने चार ऑप्शन ने, थोड़ा टेंशन का होना। ओके, टाइम्स अप, तेरा सही आंसर आ जाएगा बी, ग्रास ओपर, ठीक है, वह ग्रास ओपर दिया, ठीक है। इस तो इलावा जी तुम होर याद रखने ने तो ग्रेन ग्रेन मोथ्स, ठीक है, ग्रेन मोथ्स अपने राइस से वीट से बहुत अटैक करते हैं, तो एग्ज अंडे छड़ जाते हैं, ठीक है, ग्रेन मोथ्स की करते हैं अपनी जी फसल होंगी उत्थे अंडे छड़ जाते हैं, मतलब जे तुम किसी स्टोर की हुई है कणक उस करेंगे अंडे छड़ जाएंगे तो उसमें खराब कर देंगे ग्रेन मोथ्स। इस तो इलावा तुम ये याद रखना तो याद कर सकते हो ग्रेन वीवल्स, ग्रेन वीवल्स याद कर सकते हो, ये भी की करते हैं अंडे छड़ जाते हैं, ठीक है, इन्हें राइस वीवल्स भी कहते हैं, ज़्यादातर चौलों से अटैक करते हैं। इस तो अलावा बीटल्स हो गए, ठीक है, बीटल्स तुम याद कर सकते हो, जिन्हों आप खापरा खापरा भी कहने, खापरा भी कहने, ठीक है, बीटल्स में ये भी अटैक करते हैं, इन्हें भी मैं तुम्हें फोटो भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। इस तो अलावा अपना पल्स बीटल भी होंगे, ठीक है, पल्स बीटल होंगे, ठीक है, जिन्हों आप टोरा कहने, टोरा, ठीक है, पल्स बीटल में आप कहने टोरा कहने देसी भाषा से, टोरा पल्स बीटल, ठीक है, ये भी अपनी फसल से अटैक करता। देखो हूँ आप फोटो दिखाने, ओके, अपना ग्रेन मोथ हो गया इस तरीके का, ग्रेन वीवल्स इस तरीके के होंगे, तुम देखेंगे मूँह जो निकले होंगे इन्होंने ग्रेन वीवल्स हो गए। इस तो बाद अपना छापड़ा बीटल हो गया, ठीक है, डोरा हो गया, इस तरीके का देखा होंगे तुम्हें देखा होगा कणक के, तो यह अपना कहड़ा हो गया ग्रास ओपर, ठीक है, जिन्होंने तुम रब का घोड़ा भी कहने। अगे बढ़ते, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कहते, वट इज़ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की है, थोड़े सामने ये चार स्टेटमेंट ने, तो तुम एक टिक लगाने थोड़ा टाइम चुनद हूँ। ओके, टाइम्स अप, तेरा सही आंसर आएगा अपना बी, अ मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, मतलब केमिकल फ्री एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस है, जी अपनी पहला ट्रेडिशनल मेथड होंगे थी ना, जो आप खेती करते थे बिना केमिकल तो, हूँ तो केमिकल यूज किए जाते हैं, बिना केमिकल तो खेती करते थे, उसमें कहते हैं जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग, ठीक है, जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग ZBNF, ठीक है, इन्हें तुम याद रख लो। देखो जी अपनी अपने इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अपने इंडिया की, वो हैगी अपनी निर्मला सीतारमन, ठीक है, ये थोड़ा पता होना याद होना, इन्होंने जब आपका सैवनटीएंथ फाइनेंस बजट स्पीच दिता थी, उस उन्होंने एक गल कही थी, जी कही थी बैक टू द बेसिक, मतलब की गल कर रहे हैं, बैक टू द बेसिक का मतलब की है भी आप ट्रेडिशनल जो मैथड अपना प्रैक्टिस करते थी उसू आप फॉलो करेंगे, ठीक है। जिस एक क्वेश्चन होर उठता है तो जो मैं कह सुनूँ कि पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर की आऊगा, इसका आंसर आ जाऊगा अपन मनप्रीत सिंह बादल, ठीक है, ये भी तुम याद रख लियो। अगे बढ़ते, ओके, सिक्स क्वेश्चन कहते, राया इज द वैरायटी ऑफ डैश ग्रोन इन मीडियम एंड हाई रेन एरियाज, जिसे मीडियम से हाई रेंज होंगे ने बारिशा होंगे ने उत्थे एक राया उगाई जाती है, दोस्तों किस की वैरायटी है, ठीक है, किस की वैरायटी है, सामने चार ऑप्शन ने, तो टाइम शुरू होता हूँ।
ओके टाइम्स ऑफ तेरा सही आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थी ऑयल सीड, ठीक है। ये ऑयल सीड की वैरायटी है। जे सोनू पूछे ना कि दसो सीरियल्स कि वैरायटीज आदि ने, मतलब कि आंदा आप वीट हो गया, बारले हो गया, ठीक है, याद रखियो। जे सोनू कहने कि दसो पल्सेज ऑयल सीड के, पल्सेज ऑयल सीड्स के, तो ग्राम मतलब अपना चने आ गए, ठीक है, लेंटिल आ गया, लेंटिल अपनी मसर आ गई, ठीक है, मसर की होगी अपनी लेंटिल होगी, ग्राम की होगी अपने चने हो गए। जे हूँ इन्होंने जिम्मे क्या थी भी ऑयल सीड्स के आते हैं, तो अपना कह राया हो गया, इस तू अलावा गोभी, अपनी गोभी सरों होगी, ठीक है, गोभी सरों होगी, उस तो बाद सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर भी इसे आ जाता है। जिस तो बाद कह रहे हैं कि दसो फूडर, फूडर्स की होंगे ने चारा, फूडर्स के आते हैं, तो यह आंसर आजगा बर, अपना आजगा बर सीम, ठीक है, बर सीम आ गया, तो ओट्स आ गए, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे, ये तुम्हें याद रखना। अगे बढ़ते हैं, ओके, सैवन क्वेश्चन। कहते मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज, कहते की ऑब्जेक्टिव है एग्रो फॉरेस्ट्री का, ठीक है, एग्रो मतलब एग्रो अपने खेतों का, फॉरेस्ट्री की हो गया अपनी जी फॉरेस्ट होंगे ने जंगलों, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री जी की है वो किस न अपनी बिलोंग करती है, आप दसने इन्हें चार स्टेटमेंट से अपना आंसर लगाना, थोड़ा टेंशन का होना। ओके टाइम्स ऑफ तो सही आंसर आ जाएगा अपना सी, टू मीट द डिमांड ऑफ फार्मर्स फूड फ्यूल फूडर्स, ठीक है, अलोंग विद मेंटेनेंस ऑफ नैचुरल रिसोर्स, जो अपने नैचुरल रिसोर्स ने जिम्मे नदियां ने अपन, ठीक है, इन्हों का भी ध्यान रखना, अपने इनवायरमेंट का भी ध्यान रखना, तो आप की करनी है डिमांड पूरी करनी फार्मर की फूड वास्ते फ्यूल फूडर्स वास्ते, ठीक है, यही अपना आंसर आजगा। तो बाकी क्यों नहीं है, देखो ये कि डिस्क्राइब नाउ द फार्मर्स डू एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट, ठीक है, ये मेंटेनेंस की कोई गल नहीं करी, ठीक है, भी फॉरेस्ट्री भी मेनटेन करना है, इट इज़ द कम्युनिटी टू मेनटेन द नैचुरल रिसोर्स, गलत है, ये आप फार्मर की गल नहीं करी, ठीक है, अपना की आंसर आने सी आ जाने। ओके एट्थ क्वेश्चन, कहते विच इज द टोल फ्री नंबर वेयर द फार्मर कैन कॉल टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एग्रीकल्चर, ठीक है, जे एग्रीकल्चर की कोई इन्फॉर्मेशन किसान ने लेनी है तो किस नंबर से कॉल करूँ, आप दसना, तो अपने सारे अपने सामने चार ऑप्शन है, सो टेंशन का होना। ओके टाइम्स ऑफ तेरा सही आंसर आजू अपना ए, ठीक है, 1551, ठीक है, इससे कॉल करनी पैंती है, तो ये मिनिस्ट्री किस दे अंडर आती है, ये आती अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर, इसमें याद कर लियो, इस मिनिस्ट्री के अंडर आंदा है, तो एक केड़ी स्कीम आ गई अपनी, ये आ गई अपनी किसान कॉल सेंटर्स, ठीक है, कॉल सेंटर स्कीम के अंडर आंदा है, जिन्हों आप के सी सी भी कहने, ठीक है, इस तों इलावा यह कदों अपनी स्कीम बनी सी, ठीक है, एस्टैबलिश कदों की गई थी, 21 जनवरी 2004 एस्टैबलिश की गई थी, इन मैनेज कौन करता है, इन मैनेज करता अपना IKSL, ठीक है, IKSL करता, आई का फुल फॉर्म, आई की होगी अपनी IFFCO, तो के की हो गया अपना किसान, एस की हो गया अपना संचार, ठीक है, तो एल की हो गया लिमिटेड। जो तुम कहोगे कि ये IFFO की फुल फॉर्म है, तो यही आ जाओ अपनी, यह आ जाओ अपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड, जो कि मैं तुम्हें दस्या कि यह अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लिमिटेड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, या IFFO ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, ठीक है, ये कि अपनी इंडिया की सब तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें याद रख लिया। ओके नाइन्थ क्वेश्चन, कहते विच फ्लावर इज नोन एज द किंग ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर किंग कहा जाता है, किंग राजा फ्लावर का, मतलब फुलों का राजा कहा जाता है, थोड़े सामने चार ऑप्शन, सो टेंशन का होना। ओके टाइम्स ऑफ तो सही आंसर आजू अपना, बहुत ईजी क्वेश्चन थी रोज, जे मैं सोनू कहाँ कि मैं दसो कि स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स की स्टडी नु की कहा जाता है, तो यह आंसर की आऊगा अपना बोटनी, ठीक है, उन्होंने बोटनी कहा जाता है। अगे बढ़ते हैं, ओके टेंथ क्वेश्चन, कहते सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटड एट, जोड़ा अपना सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कितने सिचुएटड है, ठीक है, ये दसने आप अपने सामने चार ऑप्शन ने, सो टेंशन होता हूँ।
ओके टाइम्स ऑफ द ईयर सही आंसर आ जो अपना डी इस शिमला च सिचुएटेड है। ठीक है, इस तो पहले इस शिमला नहीं थी, ये कितने होया करता थी, बिहार च होया करता थी, बिहार मतलब पटना। ठीक है, पटना के बीच ये होया करता थी, ये बनया उस टाइम अगस्त 1949 के बीच बिहार के बनाया गया थी। ठीक है, उस तो बाद की किया गया शिफ्ट किया गया, शिफ्ट किया गया शिमला। ठीक है, अपना शिमला जो कि अपना हिमाचल प्रदेश से पैंता है, वो 1956 के इसमें उसे एस्टैब्लिश किया गया। तो यह किसके अंडर आंदा है भी याद कर लो, ये अपना कहना ICAR। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, यह आंदा अपना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ये ICAR। ठीक है, इसके अंडर आंदा है, याद रख लियो, इससे क्वेश्चन अपन बन सकते हैं। ओके, 11वां क्वेश्चन कहते सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। जो अपना सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कितने सिचुएटेड है आप दसना, तो अपने सामने चार ऑप्शन है, सो टाइम शुरू होता हूँ। ओके टाइम्स ऑफ द सही आंसर है जो अपना बी मैसूर। ठीक है, मैसूर के बीच है, जे सुन कही है कि यह मैसूर है कितने, यह अपना कितने, यह अपना आंदा कर्नाटका के बीच। ठीक है, तो कदों इस्टैबलिश किया गया थी, 21 अक्टूबर 1950 इसमें इस्टैबलिश किया गया थी। जो सूँ पूछिए कि इसका डायरेक्टर कौन है, तो यह आ जाऊ अपना डॉक्टर श्रीदेवी, डॉक्टर श्रीदेवी अन्ना पूर्णा सिंह। ठीक है, यह नाम है इन्हों का, डॉक्टर श्रीदेवी अन्ना पूर्णा सिंह, यह भी तुम याद कर लो। अगे बढ़ जाए। ओके, 12वां क्वेश्चन कहते सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सब ट्रोपिकल हॉर्टीकल्चर इज सिचुएटेड एट। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रोपिकल हॉर्टीकल्चर इज सिचुएटेड एट। ठीक है, सब ट्रोपिक से जो हॉर्टीकल्चर के अपने क्रॉप्स उगाए जाते हैं उस वास्ते सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, आप दसना वो कितने सिचुएटेड है, थोड़े सामने चार ऑप्शन है, टेंशन होता हूँ। ओके टाइम सब से सही आंसर आ जाऊ अपना लखनऊ। ठीक है, ये लखनऊ के बीच है, सब तो पहला यह जिहड़ा सेंटर थी इहनूं की कहा जांदा सी, सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। ठीक है, पहले इहनूं इस नाम नाल जाने जांदा सीगा क्योंकि उस टाइम इस ते मैंगो से ज़्यादा फोकस किया जाता सी। यह बनी थी अपनी 4 सितंबर 1972 बेंगलोर के बीच। ठीक है, बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर के बीच एस्टैबलिश की गई थी, बाद चो इहनूं की करिया गया इहदा नाम चेंज करके, इहदा नाम की करता सेंट्रल अपना इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रोपिकल हॉर्टिकल्चर नाम रखता गया। कदों नाम रखा गया जी, ये अपना नाम रखा गया जी 14 जून 1995 के। ठीक है, उस टाइम इसमें कितने शिफ्ट किया गया, अपना लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसमें शिफ्ट किया गया, ये तुम याद रखना। अगे बढ़ते हैं। ओके, 13वां क्वेश्चन कहते सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो सूँ एरिड जोन का मतलब पता है तो आंसर आसानी लगा सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें हिंट दे दिना, एरिड जोन जोन होंगे ने जिते बारिश घट होंगी, जिते पानी घट होंगे। ठीक है, पानी घट होंगे उन्होंने एरिड जोन कहते हैं, तो थोड़े सामने चार ऑप्शन है, थोड़ा टाइम शुरू होना। ओके टाइम्स अप ते दा सही आंसर आ जो, देखो सब तो ज़्यादा पानी घट कितने अपने राजस्थान है, तो आंसर किया जाना थी जोधपुर। ठीक है, जोधपुर इसका आंसर आ जाना थी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने लोकेटेड है, जोधपुर के। ठीक है, जे मैं तुम्हें दसता एरिड जोन का मतलब कहते पानी की कमी होंगी है, जो आप गल करिए भी एस्टैबलिश कदों होया थी, तो यह आंसर आज 1959 के। ठीक है, तो अपनी जो लोकेशन की गल करिए भी कितने लोकेशन है, वो मैं तुम्हें दसता जोधपुर, जो कि अपना कितना राजस्थान के। जो आप गल करिए डायरेक्टर की, तो है डॉक्टर अपना OP यादव। ठीक है, OP यादव कौन ने, डायरेक्टर ने, ये तुम्हें याद रखना। ओके, 14 क्वेश्चन कहते फॉरैसट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटड एट। जो सूँ आ जाए कि फॉरैसट रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने सिचुएटड है, थोड़े सामने चार ऑप्शन है, थोड़ा टाइम शुरू हूँ। ओके,
टाइम्स अप के सही आंसर आ जाऊ अपना सी देहरादून। एक जो एस्टैब्लिश हुआ थी 1906 के एस्टैब्लिश किया गया जी। देहरादून अपना कितने है, यह है अपना उत्तराखंड के, उत्तराखंड अपना की है देहरादून आंदा, ठीक है याद रख लियो। ओके 15 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, कहते वैन द सोइल इज प्लोड एंड कल्टीवेटेड द नेचुरल स्टेट ऑफ अपर 12-18 सेंटीमीटर इज मॉडिफाइड एंड दिस मैनिपुलेटेड पोर्शन इज रिफर टू। देखो अपन को पता कि जब आप कोई खेती करनी होंगी है, ठीक है दोबारा दूजी खेती करते हैं तो अपनी जी उपरली सतह होंगी 12-18 सेंटीमीटर की उन्होंने की करते हैं आप मॉडिफाई कर देने, ठीक है जो मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है किस मैनिपुलेटेड जो पोर्शन होंगे उसमें किस नाल रीफर कराया जाऊगा, ठीक है आप दसना अपने सामने चार ऑप्शन थोड़ा टाइम चुनगा हूँ। ओके टाइम जब तक सही आंसर आ जाऊ अपना सी सरफेस सोयल और टॉप सोयल, क्योंकि टॉप सोयल है देखो न्यू सोयल तो नहीं होगी, बॉटम सोयल तो जमी भी नहीं हो सकता, आप तो उपर की गल कर रहे हैं मॉडिफाई सोयल भी नहीं है, यहाँ की आजगा टॉप सोयल से सरफेस सोयल आ जाएगा, ठीक है सरफेस सोयल में आप कर मॉडिफाई कर देने अगे बढ़ रहे। ओके अपने 15 क्वेश्चन खत्म हो गए, तो यह जो क्वेश्चन है यह होमवर्क है, ये तुम्हें जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है तो जे सू इस आंसर नहीं पता तो मैं PDF के इसका आंसर मैनशन कर दूंगा जो कि सूँ टैलीग्राम तो मिल जूगी, ठीक है तो कहते विच क्रॉप आर यूज फॉर फिक्सेशन ऑफ एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन, जी आप फिक्स करनी है मतलब नाइट्रोजन एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन जब कमी हो जाती है तो आप सोयल के क्रॉप पैदा करते हैं, ठीक है कि क्रॉप यूज की जाती है आप दसना थोड़े सामने चार ऑप्शन इस आंसर कमेंट बॉक्स लिखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके जे सूँ इसकी PDF चाहिए है तुम्हें कहना सरकारी 19 इकट्ठा लिखना टैलीग्राम चैनल के उसे इसकी PDF मिल जूगी, जे तुम यूट्यूब YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ 19 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨੀ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।